छोटे शहरों की कहानियों पर आधारित कुछ फिल्में क्या सफल हुई कि बालाजी फिल्म्स के कर्ता धर्ताओं को लगा कि यह सफलता का फॉर्मूला है और उन्होंने जबरिया जोड़ी नामक फिल्म दर्शकों पर थोप डाली जो किसी टॉर्चर से कम नहीं है। जो यह फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक देख ले उसकी हिम्मत और धैर्य को सलाम, क्योंकि आधी फिल्म देखने के बाद ही दर्शकों की सिनेमा घर से बाहर भाग खड़े होने की इच्छा प्रबल होने लगती है। फिल्म के नाम के अनुरूप इसमें हर चीज जबरिया है, क्या कहानी, क्या एक्टिंग, क्या डायरेक्शन और क्या गाने। इस मायने में फिल्म अपने नाम के साथ न्याय करती है, लेकिन जो गिने चुने दर्शक फिल्म देखने पहुंचे हैं वे ये भेद फिल्म देखने के बाद ही जान पाए। बिहार में लड़की वालों से इतना दहेज मांगा जाता है कि वे इस बुराई को मिटाने के लिए और बड़ी बुराई करते हैं। वे लड़कों का अपहरण कर अपनी लड़की से जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। लड़कों का अपहरण करने वाली गैंग यह काम दहेज में मांगी जाने वाली रकम से आधे में कर देती है। इस बुराई की पृष्ठभूमि में हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी को जबरिया जोड़ी में दिखाया गया है, लेकिन कहानी में प्रेम कहीं नजर नहीं आता। हीरोइन से हीरो शादी के नाम पर दूर भागता रहता है। वजह जो बताई गई है उसे जानकर आपकी बाल नोचने की इच्छा होगी। इतनी सी कहानी को इतना लंबा खींचा गया है कि रबर भी शर्म के मारे डूब मरे। बिहार का जो माहौल दिखाया गया है वो पूरी तरह नकली है। ऐसा लगा कि किसी ने इस फिल्म को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती इसे बनवाया है। हंसाने की खूब कोशिश की गई है, लेकिन मजाल है जो आपको हंसिया जाए। उल्टे फिल्म देखते हुए तो गुस्सा आने लगता है कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। फिल्म का आखिरी एक घंटा तो बर्दाश्त के बाहर है। हैरानी होती है कि हाल ही में मनोरंजन उद्योग में 25 साल पूरे करने वाली एकता कपूर इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए राजी कैसे हो गई। फिल्म का हर किरदार बहुत लाउड है, बेवजह चिल्लाता रहता है। उनकी बकबक से आप पकने और थकने लगते हैं। संजीव के झा ने कहानी लिखी है और प्रशांत सिंह ने निर्देशन किया है। बताना मुश्किल है कि लेखन घटिया है या निर्देशन। गाने बीच बीच में आकर जले पर नमक छिड़कते हैं। 2.5 घंटे की फिल्म 2.5 दिन के बराबर लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा करियर के नाजुक मोड़ पर हैं। ऐसी फिल्म यदि करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने में उन्हें देर नहीं लगेगी। दोनों कलाकार पूरी तरह मिसफिट नजर आते हैं और एक्टिंग के मामले में भी दोनों जीरो साबित हुए हैं। संजय मिश्रा और अपार शक्ति खुराना को बर्बाद किया गया है। जावेद जाफरी ने भी दर्शकों की ऊप को और बढ़ाया है। कुल मिलाकर जबरिया जोड़ी देखने का एक कारण भी नहीं है। इस फिल्म को मैं 5 में से आधा स्टार देता हूँ।